आज तक का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पापी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है महोदय, जिसने लोकतंत्र का हत्या करने का था। पहला बार कोई देश में जेल गया और पूरा पाप जो है भाजपा का, मुख्यमंत्री जी का और पूर्व मुख्यमंत्री जी का और सभी माननीय विपक्ष का, आज मैं ठीक करने आया कि नोट फॉर वोट कांड में गुरु जी को जेल किसने भेजवाया और केंद्र में उस समय किसकी सरकार थी। कोयला घोटाला में शिबू सोरेन को जेल में डालने वाला कौन था। जीरूडी हत्याकांड में शिबू सोरेन जेल कब गए थे और उनको किसने भिजवाने का था। यह नालायक कांग्रेस पार्टी था जो शिबू सोरेन जी को चार बार जेल के सलाखों के पीछे डाल करके उनकी पूरी जिंदगी शिबू सोरेन जी का समाप्त करने का अगर कोई काम किया तो कांग्रेस ने किया महोदय। अरुण कोड़ा जी को जेल भेजा, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा और कल जो हमारे चंपई दादा बोल रहे थे बंधु तिर्की को भी किसी ने जेल भेजा तो कांग्रेस के सरकार ने भेजा। आपको जो चीज अंडरस्टूड है, जो चीज रिकॉर्डेड है, जो चीज सब जानता है, उसी बातों को दहरा रहा है, रगड़ रहा है, कोई सब कौन नहीं जानता है। और अपना वाला बात आप बोले ही नहीं कि आप कितना दिन आप मंत्री रहे, वो बात तो नहीं बोले कि नहीं। एक लाइन आप भी सरकार में मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री। एक लाइन बता, एक लाइन। जो कांग्रेस के साथ सटा उसका पूरा राजनीतिक जीवन बर्बाद हो गया। बगल के स्टेट में लालू प्रसाद यादव जी को जब सजा हुई, कौन था उस समय सेंट्रल में महोदय? बीजेपी सरकार, हेमंत बाबू और अर्जुन मुंडा जी ने एक साथ सरकार बनाया, इसलिए उसमें आधा भाजपा भी है और आधा जे एन एम, मैं उसको निकाल दिया। और कल से मुख्यमंत्री जब बोलेंगे तो आपको हिसाब करेक्ट करके मैं ठीक करके बोल रहा हूँ। कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, बोलिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ऐसा फील करा रहे थे महोदय कि ये पहला बार कोई देश में जेल गया और पूरा पाप जो है भाजपा की। महोदय, बड़े ही विनम्रता से मैं उनको कहना और उन तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, इसमें भाजपा का अगर हाथ है आपको ऐसा लगता है तो आप ही से जुड़ा हुआ एक दो सवाल हम करना चाहते हैं। आप बताइए, चीरूडी हत्याकांड में शिबू सोरेन जेल कब गए थे और उनको किसने भिजवाने का काम किया? आप यह बताइए, शशिनाथ झा हत्याकांड में गुरुजी कब जेल गए और केंद्र में किसकी सरकार थी और किसने भिजवाने का काम? आप बताइए कि नोट फॉर वोट कांड में गुरुजी को जेल किसने भिजवाया और केंद्र में उस समय किसकी सरकार थी, यह बताने का काम किया। और आप यह भी बताने का काम कीजिए कि कोयला घोटाला में शिबू सोरेन को जेल में डालने वाला कौन था तो सारे चीज का जवाब निकलेगा। यह नालायक कांग्रेस पार्टी था जो शिबू सोरेन जी को चार बार जेल के सलाखों के पीछे डाल करके उनकी पूरी जिंदगी शिबू सोरेन जी का समाप्त करने का अगर कोई काम किया तो कांग्रेस ने किया महोदय। मैं इसलिए कहना चाहता हूं महोदय, कांग्रेस किसी का नहीं है, कांग्रेस के साथ जो गया कांग्रेस मान्य सदस्य, ऐसा सगा नहीं मान्य सदस्य, कांग्रेस ने भानू जी हो गया भानू जी, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं महोदय। हो गया भानू जी, शिबू सोरेन जी को जेल भेजा महोदय, मधु कोड़ा जी को जेल भेजा महोदय, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा और कल जो हमारे चंपई दादा बोल रहे थे बंधु तिर्की को भी किसी ने जेल भेजा तो कांग्रेस के सरकार ने भेजा। बंधु के लिए अगर आज किडनी देना पड़ेगा, भानु प्रताप शाही ऐसा राजपूत है जो अपना किडनी निकाल करके बंधु तिर्की के देने के लिए काम करेगा, मैं ऐसा मित्र हूँ बंधु तिर्की का। और आप उनसे तुलना करना आप सरकार का महोदय नहीं, महोदय मेरा 20 मिनट समय आपने देगा। एक बात मैं आपको, अभी सरजू बाबू एक कटाक्ष किया जहाँ बोल कौन विषय पर रहा है और अब जा कौन विषय में रहा है। अभी समय बात में दम है, समय है, हम मान रहे हैं लेकिन हमको राज्यपाल महोदय का अभिभाषण के पक्ष में जो प्रस्ताव रखा और आप कहाँ जा रहे हैं महोदय, कहाँ जा रहे हैं, अपव्यवस्था फैलाने वाला षड्यंत्र हो गया, एक अपव्यवस्था फैलाने जैसा षड्यंत्र हो गया। बढ़िए, हम भी विषय समझते हैं, आपको बोलना है अभिभाषण पर, एक लाइन अभिभाषण पर बोले नहीं
हम समझ गए चल 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 बैठिए समझ गए। अब सरकार का उत्तर है, चल बोलिए आप, एक मिनट। हाँ महोदय, हम खत्म कर कंक्लूड करेंगे। ना सिर्फ शिबू सोरेन जी, एक मिनट, ना सिर्फ मधुकोड़ा जी, ना सिर्फ बंधु तिर्की जी, बल्कि जो कांग्रेस के साथ सटा उसका पूरा राजनीतिक जीवन बर्बाद हो गया। जैसे महोदय बगल के स्टेट में लालू प्रसाद यादव जी को जब सजा हुई, कौन था उस समय सेंट्रल में महोदय, बीजेपी था क्या महोदय? ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल भेजा गया, मुख्यमंत्री थे, कौन था महोदय सेंट्रल में? करुणा निधि को जेल भेजा गया, कौन था उस समय सेंट्रल में? जयललिता को जेल भेजा गया, कौन था सेंट्रल में? YSR रेड्डी के बेटा जगनमोहन रेड्डी को जेल भेजा गया, कौन था उस समय सेंट्रल में? महोदय सारे सवाल का जवाब आएगा, आज तक का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पापी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है महोदय, जिसने लोकतंत्र का हत्या करने का काम। महोदय एक बात कहते हुए, महोदय एक बात कहते हुए, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए, एक बात कहते हुए बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए महोदय, एक दो बात नहीं रहे, दो बात बोलिए, अगर कोई तथ्य आप भी बोलिए, दो बात महोदय, दो बात कह के मैं खत्म कर रहा हूँ महोदय, दो बात महोदय। मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे 19 साल भाजपा शासन किया, मैं मुख्यमंत्री जी का और पूर्व मुख्यमंत्री जी का और सभी माननीय विपक्ष का आज मैथ ठीक करने आया हूँ, आप अपना मैथ को ठीक कीजिए, मैं पढ़ करके बताता हूँ महोदय। ये 24 साल का मैं लिख करके लाया हूँ महोदय, जिसमें 2.5 साल मैं निकालता हूँ इसलिए कि हेमंत बाबू और अर्जुन मुंडा जी ने एक साथ सरकार बनाया, इसलिए उसमें आधा भाजपा भी है और आधा जेएमएम भी, मैं उसको निकाल दिया। 21.5 साल का हिसाब मैं देता हूँ महोदय सदन को, और कल से मुख्यमंत्री जब बोलेंगे तो आपको हिसाब करेक्ट करके मैथ ठीक करके बोलना। बाबूलाल मरांडी जी 2 साल 3 महीना, अर्जुन मुंडा जी 2 बार 3 वर्ष 6 महीना, रघुवर जी 5 वर्ष 10 साल 9 महीना भाजपा का शासन था। महोदय हेमंत सोरेन जी 2 बार 5 साल 7 महीना, 3 बार शिबू सोरेन जी 1 वर्ष 1 महीना, मधु कोड़ा जी 2 साल 1 महीना, और राष्ट्रपति शासन कांग्रेस ने लगाया 2 साल 2 वर्ष, यानी 10 साल 11 महीना अगर शासन किसी का रहा तो ये कांग्रेस का शासन रहा। अब जो शासन चंपई दादा का चल रहा है वह आगे बढ़ रहा है, चलिए हो गया, अब सरकार का उत्तर हो गया सर। आप तो जो चीज अंडरस्टूड है, जो चीज रिकॉर्डेड है, जो चीज सब जानता है, उसी बातों को दहरा रहा है, रगड़ रहा है, कोई सब कौन नहीं जानता है। और अपना वाला बात आप बोले ही नहीं कि आप कितना दिन आप मंत्री रहे, वो बात सुन नहीं बोले कि नहीं। एक लाइन से आप भी सरकार में मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, एक लाइन बात, चलिए हो गया, चलिए सरकार को, चलिए।